आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कच्चे आम का बहुत ही चटपटा सा रेसिपी। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ज़्यादा ही चटपटा है। हेलो फ्रेंड्स, इजी टू कुक फूड में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर मैंने लिया है कच्चा आम, तो मैंने 400 ग्राम कच्चा आम लिया। इसे मैंने अच्छे से धो लिया है और इसका छिलका था जो मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसे काट लेती हूँ। तो इसका जो अंदर का बीज है वो मैं निकाल लेती हूँ और इसे छोटे छोटे पीसेस में मैं काट लूँगी। इसे आसानी से जार में पिसा जाता है। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है और मैं इसे जार में डाल देती हूँ। और इसे थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी, इसे आसानी से पिसा जाएगा। आप चाहे तो एक बार में पानी डालें या तो थोड़ा थोड़ा करके आप डालें और पिसते भी जाए। ये बिल्कुल ही पेस्ट की तरह रेडी हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। इसे मैं बाउल में निकाल लेती हूँ। मैंने यहाँ पर एक कटोरी से थोड़ा सा कप मैंने चीनी डाला है। चटपटा फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर डाला है एक छोटा चम्मच सिना नमक, एक छोटा चम्मच मैं डालूँगी इसमें काला नमक, आधा चम्मच मैं इसमें डालूँगी घोल की जीरा का पाउडर और एक चम्मच मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला। तो इसे बहुत ही अच्छा चटपटा सा फ्लेवर आता है फ्रेंड्स। तो सभी को मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। यहाँ पर मैंने सभी को मिला लिया है, बिल्कुल ये रेडी हो गया है। गैस पर मैंने पैन को रख दिया है। एक छोटा चम्मच मैं इसमें डालूँगी घी। यहाँ पर घी है जो गर्म हो गया है। मिश्रण को मैं इसमें डाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने मिश्रण को डाल दिया और इसे हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक मिलाते रहूँगी। और इसमें मैंने येलो फूड कलर डाला है, अगर आपके पास जो फूड कलर है वो आप डाल सकते हैं। तो इसमें मैं फ्लेवर के लिए डाली हूँ चिली फ्लेक्स, इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स। अगर नहीं है तो इसमें आप थोड़ा सा मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ही हो गया है, हाथ पर छूने से ये चिपक रहा है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। हल्का जब ये ठंडा हो जाए तब तक मैं इसे साइड में रख देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक प्लेट लिया है, इसमें थोड़ा सा मैंने घी डाला है और अच्छे से इसे फैला देती हूँ। इसे प्लेट में रखने से चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पर मिश्रण को मैंने डाल दिया है और अच्छे से मैं इसे फैला लेती हूँ। यहाँ पर मैंने इसे फैला दिया है। अब इसे 2 घंटे के लिए मैं ढककर बाहर रख देती हूँ। तो यहाँ पर 2 घंटा हो गया है, अब बिल्कुल ही अच्छे से सेट हो गया है। आप चाहे तो अपने मनपसंद शेप में भी इसे काट सकते हैं। इसे बिना फ्रिज को 2 महीने तक आप बाहर रख सकते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस इसे गीले हाथ से कभी ना छुए, गीले हाथ से छुएगा तो ये ख़राब हो जाएगा। आप इसे आलू के पराठा के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। तो एक बार मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।